हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चाय के साथ में खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता। मैदे की खस्ता पूरियां बनाएंगे आज हम। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी मैदा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है। इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे हम, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। एक चुटकी यहाँ पे मैंने खाने वाला सोडा डाला है और यहाँ पे मैंने लिया है दो चम्मच सरसों का तेल। आप इसमें नॉर्मल तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा डो तैयार कर लेंगे इसका। एक साथ पानी डालने से ये ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेना है। ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा ढीला, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है हमें इसी तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने आटे का डो तैयार कर लिया है। अब इसको दो या तीन भाग में हम तोड़ लेंगे इसको। और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल तोड़ लेंगे। ये देखिए, हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है इस तरीके से। और अब हम बनाएंगे पूरियां इसकी। एक टुकड़ा हाथ में लेना है इसका, ये देखिए इस तरीके से। और फिर इसको ऐसे गोल गोल करके फिर दबा के रख देंगे इसको, सारी पूरियां को। तो ये देखिए, मैंने इनको हाथ की मदद से गोल गोल कर लिया है, फिर दबा लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने गैस पे तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। तो अब हम पूरियां बना लेंगे, तब तक हमारा तेल गरम हो जाएगा। हमें इस तरीके से मैदे का आटे का एक डो लेना है और इसको इस तरीके से बेल लेंगे हम। तो ये देखिए, हमारी एक पूरी बनके तैयार हो गई है। ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। तो ये देखिए, हमारी एक पूरी तैयार हो गई है। ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। और इसके ऊपर से हम चाकू से इस तरीके से निशान कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से खड्डे कर देंगे 10-15। इससे क्या होगा कि हमारी पूरियाँ जो है वो फूलेगी नहीं, खस्ता बनेगी। हम इसी तरीके से दूसरी पूरी बेल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको भी बेल लिया है चाकू की सहायता से। इस तरीके से खड्डे कर देंगे, ये देखिए। तो हम इसी तरीके से सारी पूरियां बना लेंगे हमारी। तो ये देखिए, मैंने सारी पूरियां बना ली हैं और हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें एक एक करके पूरे डालेंगे। एक साथ जितनी पूरियां आ सकती है इसमें उतनी डाल सकते हैं हम।
ये देखिए, एक बार में मैंने यहाँ पे 5 पूरियाँ डाल दी हैं तेल के अंदर। अब इनको हम पलटते हुए हमारी पूरियाँ जो हैं इनका कलर चेंज होने तक, खस्ता पूरी होने तक हमें इसे पकाना है, तेल में फ्राई करना है पूरियों को अच्छे से। चाकू से इस पर खड्डे करने से होगा ये जो पूरियाँ हैं हमारी, ये फूलेगी नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, खाने में भी क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है इनको। अब इनको निकाल लेंगे हम। अब हम इसी तरीके से बाकी की पूरियां निकाल लेंगे तेल में फ्राई करके। पलट देंगे इनको भी। ये देखिए, ये भी कितनी क्रिस्पी लग रही है देखने में और इनका कलर भी चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छे से बन गई है ये भी। तो पलटते हुए 1 मिनट तक इनको और पका लेंगे हम, तेल में और फ्राई कर लेंगे इनको। तो ये देखिए, ये भी बन गई है और अब हम इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। बची हुई पूरियां भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए, ये भी बन गई है, तो इनको मैंने निकाल लिया। ये देखिए, हमारी पूरियां बनके बिल्कुल तैयार हैं। जब भी हमें जोरों से भूख लगी हो, तब हमारा कुछ खाने का मन करे, तो हम इसे बहुत ही आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। और चाय के साथ में ये कुरकुरी हमारी जो पूरियां हैं, ये देखिए हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये देखिए। और खाने में हमें बिस्किट की जैसे लगेगी ये, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। आप एक बार ज़रूर बनाना इस तरीके से। ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कितनी क्रिस्पी खस्ता पूरी बनी है हमारी। ये हाथ से आसानी से टूट रही है, तो ये हमारी खस्ता पूरियां बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाना, चाय के साथ में या किसी भी सब्जी के साथ में, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।